पहुंच चुके हैं निमराना फोर्ट। तो ये बाहर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए मैं बहुत बेसब्री से मतलब उतावली हो रही हूँ अंदर जाने के लिए, मैं गिर ना जाऊँ। वाओ, आप लोगों को मजा तो आ रहा होगा दोस्तों। बहुत ज्यादा इलाका है तो इसलिए हमने यहाँ पे जीप बुक किया है। देखती हूँ एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपको बताते हैं। कितना में बुक किया है जीप? जीप हमने बुक किया है 200 रुपए में, 250 बोलता है। आप तो जाने आने का दोनों ही, दो साइड का, दो साइड का, और एटलीस्ट अराउंड दो घंटे, मतलब एक सवा घंटा में हम घूम के आ जाएंगे। पूरा वेट करेगा आपको, पूरा सब कुछ। बहुत बड़ा इलाका है ना, टाइम लगेगा। उधर उधर हम लोग ने ये गाइस यहाँ पे दबंग 3 का शूट हुआ था। खुशी लग रहा है। हाँ, दबंग 3 मैंने नहीं देखा लेकिन आप लोगों को मैं वो सीन जरूर दिखाऊंगी। नहाने का जगह, हाँ गाइस, पद्मावत ने भी इस टाइप का सीन दिखाया था ना गाइस। पहले यहाँ पे रानिया नहाती थी ये बोल रहे हैं। ये सीढ़ी से जाती थी, नीचे जाके नहाती थी। कितना अच्छा है गाइस। जब आप जीप में चढ़ोगे ना तब आपको गाइड के लिए बहुत बहुत सारा जगह में आपको बोलेंगे गाइड चाहिए, गाइड चाहिए, गाइड चाहिए। 100 रुपीज, 50 रुपीज करेंगे गाइड। अगर आपको चाहिए तो आप ले ले, हाँ कम दाम में भी मिल जाता है। पहले आप फर्स्ट में आते हो ना, फर्स्ट में गाइड बोलता है ना 200-450 बोला मुझे पहले। हाँ अभी 50 रुपए बोल रहा है गाइड। अगर हम लोग तो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अंकल ये राजस्थानी छाता दिखा रहे हैं, तो उसको फोटो चाहिए गाइस। रुको मैं फोटो क्लिक कर देती हूँ। रेडी, देख सकते हैं सब राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज मिलेगा आपको, महाराजा राजा महाराजा का टाइम का सब कुछ। देखिए यहाँ पे, छुरी तरवाल के साथ जो होता था राजस्थानी चप्पल जूता यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूजिक भी हो रहा है गाइस, एकदम अच्छा। ये जो दीवारें देख रहे हो ना आप लोग, ये राजा महाराजा के टाइम में था, ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर सके। लेकिन उसके वहाँ पे जो छेड़छेड़ है ना, ये वहाँ से प्रजा लोग बाहर देखते थे कोई आ रहे है कि नहीं आ रहा है, कोई आक्रमण करने वाला है, तो वहां से चेक कर देते गाइस। चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ये है गाइस। सबसे पहले आपका वेलकम है। हाँ जी, अमेरिका का। मेरा नाम महेंद्र सिंह। हाँ जी, आज आपका गाइड हूँ। ये अमेरिका किला आप देखने के लिए आए, ये 500 वर्ष पहले बना है 15th century में। और इसको बनाने वाले 3 मेन राजा हैं। सबसे पहले चीफ कमांडर अकबर की सेनापति, अकबर के 9 ज्वेल्स के बारे में आपको मालूम हो, अबू फजल। टोटल अंदर 2 दरवाजे दिए हैं, एक कॉमन एंट्री और एक VIP पर्सन। रॉयल फैमिली के टाइम था जब VIP लोग कॉमन गेट में आते। ये VIP गेट का नाम क्या है? सूरज फोर है, सन गेट। अच्छा, ये वाला बिकॉज सनराइज ईस्ट के अंदर से। और ये है चांद पोल पश्चिम का। अच्छा, सामने घोड़ों के लिए एस्टेबल। अच्छा अच्छा, ऊपर स्पेशल गार्ड्स रेजिडेंस, घोड़ा वहाँ पे रहता था। हाँ, नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं इनमें हॉर्सेज रहते थे स्पेशल गार्ड्स। अच्छा, ऊपर ही रेजिडेंस है। ये चांद पोल है, इसके अपर साइड में आपको दिख रहा है कि बरामदा। अभी पिक्चरों में आप देखते हैं तो बाजीराव मस्तानी पिक्चर में दिखता है आपको। अच्छा अच्छा, ये बाजीराव मस्तानी में था ना, वीर मूवी का दिन शायद। हाँ, आ जाइए। वहाँ पे अकबर का जो गाना होता है पिक्चर में, अकबर जोधा के अंदर, अजीम व शान शहंशाह वाला, ये दीवाने आम के लगता था साइड में। यहाँ पे हुआ था
शूट यहीं आके हुआ था क्या? अच्छा। और वो सामने वाला जो आपको झरोका दिख रहा है, हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं? सुहाग मंदिर। अच्छा। और आपने पिक्चर देखी है हमारा ही प्यार के? हाँ हाँ देखा है। उसमें घूंघट की आड़ में गाना होता है। अच्छा। ये वही जगह। ये जगह में जो था अकबर का सॉन्ग का शूट हुआ था। और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। गार्डन बोलते हैं इसको वैसे तो आपका अंग्रेजी के अंदर। सर वहाँ पे नहीं जा सकते। नहीं वहाँ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये केसर क्यारी है, यहाँ पे राजा के टाइम में, रॉयल फैमिली के टाइम में शेफ्रॉन की खेती होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और शेफ्रॉन किस काम में आती थी? रानियों के नहाने के लिए। अच्छा। यूज करते थे शेफ्रॉन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये केसर क्यारी है, पानी के अंदर इसको इसीलिए डेवलप किया गया ताकि वो केसर पैदा हो सके। अच्छा, हाँ, ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मुगल सैनिक का गार्डन, इसको बोलते हैं दिल आराम बाग। दिल आराम बाग उसको ना, वो पार्क जैसा। जब अकबर आया, अकबर के लिए वो मस्जिद बनी। अच्छा। मास्क दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बड़ी मस्जिद, वो पहाड़ की तलहटी में दो डोम दिख रही है और मीनार दिख रही है। अच्छा। उस टाइम में ना यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे ना, साथ में ही थे, मतलब ज्यादा मुस्लिम का चलता था ना उस टाइम। मुस्लिम का नहीं, ये मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये इनके प्रेशर में थे, मुस्लिम के प्रेशर में थे। एशिया महाद्वीप के अंदर ऐसा सीसमेल कहीं भी नहीं है। इसके अंदर जो ग्लास यूज किया गया है ये बेल्जियम, वो देखिएगा ना अभी, वो तो आप देख लेना। लेकिन ये देखिए तारे देखते ना, आइए देखिए, इधर देखिए संगीता, देखा जब वो गाना होता है मुगले आजम पिक्चर के अंदर, जो प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के मरना क्या, हजारों नारकलियाँ, ये बीच वाले हो रहे हैं। ये देखिए आप ऊपर देखिए, ये मेरा हाथ हिल रहा है, लाइट जल रही है। बुजुर्ग उनका मुल्क हमेशा कायम रखे कि जमाने बुलंद आदेश लेने वाले और अपने साम्राज्य की ईमानदारी और इंसाफ से मुस्लिम वर्ग की बुनियाद रखने वाले महाराजा राजा मान सिंह किसका पुत्र है? भगवान दास। भगवान दास किसका है? भारमल। भारमल की राजा का टाइम में खाना बनाने का कढ़ाई, बाप रे बाप। ये जगह ओ ये, अच्छा। इनफ फॉर द डे। तो सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया यहाँ के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर हम लोग खुद घूमते तो हम लोग को खुद समझ में नहीं आता, हम लोग ऐसे ही फोटो लेते और चले जाते। आपने मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स को भी इंटरटेन किया है सर, आपको बहुत सारा धन्यवाद हमारे। थैंक यू।